हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका स्टडीज़ परिवार में लीजिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट के तीन मंथ के अफेयर हम कौन से अफेयर कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के लिए तो चलिए जरा समय व्यस्त ना करते हुए सीधा हम आते हैं मुद्दे के तरफ अब यहाँ पर देखिए आज के हमने इस सेशन में हमने क्या कवर करने हैं हमने कवर करने हैं अवार्ड्स और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पर्सन न्यूज़ और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट्स जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं और चौथा जो हमारे लास्ट लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं हम उनको कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अवार्ड्स में हमारे लिए क्या क्या है तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले हमारे सामने अवार्ड है अवार्ड का नाम है फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल अवार्ड देखिए फिल्म का नाम जहां पर दिया सॉरी अवार्ड का नाम दिया गया अवार्ड का नाम आपके सामने है ये अवार्ड किसको व्यक्ति किस व्यक्ति को, को मिला देखिए जाने माने हमारे कलाकार हैं नवाजुद्दीन सिद्दकी जी क्या नाम है नवाजुद्दीन सिद्दकी जी तो इनको अपनी बेहतरीन ओके अपनी देखिए जाने माने कलाकार हैं थिएटर से जुड़े हुए हैं ठीक है जी तो इसमें कोई डाउट नहीं है तो इनको ये अवार्ड दिया गया तो नाम मत बोलना फ्रेंच रवीरिया फिल्म फेस्टिवल किसको दिया गया नवाजद्दीन सिक्के को ओके okay, तो ये बात आपने बोला क्योंकि okay, किस काम के लिए कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा चलिए ये हमारी पहली न्यूज है अब आते हैं हम दूसरी न्यूज़ पे दूसरी न्यूज़ क्या है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अम्पायर देखो ये अवार्ड दिया गया अवार्ड का नाम आपके सामने है अवार्ड का नाम आपके सामने क्या दिया गया इनको इनका नाम क्या है इनका नाम है अजय पिरामल जी अजय पिरामल जी को ये अवार्ड दिया गया जो क्या है चेयरमैन ऑफ द पिरामल ग्रुप है इनको ये कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अम्पायर ये अवार्ड दिया गया किनके द्वारा क्वीन ऑफ इंग्लैंड तो इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया तो इनका नाम मत भूलिएगा ओके अब बच्चे जल्द आगे बढ़ते हैं आगे है बांग्ला एकेडमी अवार्ड क्या नाम है अवार्ड का बांग्ला एकेडमी अवार्ड अच्छा बच्चों बताना चाहेंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओके okay, और साथ में आपको बेल आइकॉन बटन दिया नीचे उसको क्लिक कर दीजिएगा शॉर्ट ऐड हमारी कोई भी नई वीडियो आती उसकी जानकारी आपको मिल पाए और एक और बात हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल है कृपया आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अब भैया ज्वाइन क्यों करना है क्योंकि जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा करना क्या है सर्च करेंगे अगर लिख कर स्टडीज टेलीग्राम पे तो आपको वहाँ पे हमारा ये ग्रुप मिल जाएगा ओके चलो अब आगे देखते हैं ये है हमारे देखो वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल की सीएम एम है जिस पार्टी से इनका संबंध है उस पार्टी का नाम है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ओके तो टीएमसी एम की चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर तो इनको जो अवार्ड दिया गया है बांग्ला अकेडमी अवार्ड क्या नाम है बांग्ला अकेडमी अवार्ड तो ये बात याद रखनी है इस न्यूज में से इतना इंपॉर्टेंट है अब आगे आते हैं आगे है हमारा मेलकॉम ओके ये इस अवार्ड को देखिए अब व्यक्ति का नाम सुनिए व्यक्ति का नाम तो कोई भी अवार्ड होता है दो तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है व्यक्ति का नाम क्या हो अवार्ड कौन सा मिला इसी में क्वेश्चन बनता है यहां पे देखिए इनका नाम है मिस्टर प्रभात पटनायक जी मिस्टर प्रभात पटनायक जी को मिला है कौन सा अवार्ड मालकॉम आपका अधिशेष अवार्ड तो याद रखिएगा नाम क्या है अवार्ड का मेलकॉम अधिशेष अवार्ड दो हजार बाईस का तो ये बात आपने याद रखनी है मिस्टर प्रभात पटनायक जी को चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे आइए आगे हैं है हमारे दारासह फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 देखो बच्चे एक बात सुनना इसको गलती से भी आप कंफ्यूज मत करना किसके साथ दारा साथ फाल के फिल्म फेस्टिवल फिल्म अवार्ड इट इज़ फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अगर बात सुनो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दारासाह फाल के अवार्ड मिला है वो तो मिला है लेकिन बनता है, फाल की फिल्म तो उसके जो विजेता है वो आपके सामने है तो कोई भी अवार्ड होता है खासकर आपकी इस चक्का चौथ दुनिया से जुड़ा हुआ तो उसमें चार चीजें काम की पहले काम की क्या है कि भैया फिल्म कौन सी है बेस्ट फिल्म कौन सी है दूसरी आ, फिल्म ऑफ ईयर तो हो गया बेस्ट फिल्म अवार्ड हो गया बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस ओके जब बेस्ट डायरेक्टर भी कह सकते तो हो तो गले की चार पांच ये बातें होती है जो आपने ध्यान रखनी अब यहाँ पे देखिए फिल्म ऑफ द ईयर एक किसको मिला ये मिला पुष्पा द राइज को इसके अलावा बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला शेर शाह को इसके अलावा बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह किसके लिए एटी थ्री जिसमें उन्होंने एक क्रिकेटर का रोल प्ले किया इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस ये आपके सामने है किति सानून फॉर फिल्म मीमी -मी. तो ये बच्चे कुछ अवार्ड्स हैं जो हमारे आइफा के हैं माफ़ी चाहूंगा दासा फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है जो आपने बोलने नहीं है अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं ओके बच्चों द्वारा बोल रहा हूँ अगर हमारी वीडियो को लाइक करते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में अगर मान लीजिए कोई डाउट आता है कोई शंका आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम कोशिश करेंगे उस लेक्चर को क्वेश्चन को या आपके सामने सॉल्व करने की उसका उत्तर देने की आगे आते हैं आगे है साहित्य अकेडमी अवार्ड देखो साहित्य लिटरेचर की दुनिया में कुछ जाने माने इनाम है जिनमें से साहित्य अकेडमी अवार्ड भी आता है ओके okay, बताना चाहेंगे साहित्य अकेडमी अवार्ड है हमारा बाईस हमारे आठवां शेड्यूल है जो आठवीं सूची है उसमें बाईस भाषा उसके अलावा दो अन्य भाषा कुल चौबीस भाषाओं में हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है ओके okay, तो देखिए है तो कई सारी है लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे जो मेन मेन है वो बता दी अगर हम इंग्लिश की बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में किस नॉवल को नॉवल का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड दिस इज नेम ऑफ बुक ओके लिखी किसने है नमिता गोखले जी इनको अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड इस बार का नंबर एक अगर हिंदी की बात करूँ हिंदी का कर मिला है दिया प्रकाश सिन्हा को अगर हम बात कर, करते हैं पंजाब की जिन बच्चों का अभी पंजाब के एग्जाम भी है अभी कुछ बच्चों का पंजाब ए का एग्जाम है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है खालिद हुसैन क्या नाम क्या है खालिद हुसैन तो ये नाम मत बोलना तो इनको ये अवार्ड मिला है पंजाबी लैंग्वेज में अन्य भाषा भी है बाकी जो आपके स्टेट की भाषा उसको देख लेना अगर स्टेट को एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बन सकता है लेकिन नेशनल लेवल का यहीं पर क्वेश्चन बनते हैं अब बच्चे अब यहाँ पे आते हैं आगे है ज्ञानपीठ लिखने में पढ़ने में कुछ और है लिखा कुछ और है लेकिन हम इसको प्रनाउंस करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड देखो ज्ञानपीठ अवार्ड भी लिटरेचर की दुनिया में जाना माना एक अवार्ड है तो ये इस बार का आपका बात करते हैं अगर ज्ञानपीठ वो तो किसको मिला, मिला तो गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग तो बच्चे देखिएगा ये हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया चलते हैं आगे आगे यहाँ बताया गया असम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी ने यह अवार्ड दिया है देखो कभी कभी क्या होता है जो चीजें करंट में उसका स्ट्रेटेजी के पोर्शन है वो भी समझा करें उसके ऊपर भी हमारे एग्जाम में काफी क्वेश्चन बन जाते हैं चलिए बच्चों अब आगे आते हैं आगे है हमारा आइफा अवार्ड देखो आइफा अवार्ड काफी न्यूज में था अभी तो इसमें वही चीजें चार पाँच चीजें बेस्ट एक्टर कौन है बिकी कौशल अभी कटीना जी के पति जी है ना अब बिकी कौशल जी सरदार ऊधम सिंह इनके ऊपर इनके लिए बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्टर फीमेल किति सानून है ना देखो दोनों में सेम है पहले भी कौन थी किसानून थी अपने उसमें दास ऑफ फाल्के इंटरनेशनल यहाँ भी सेम है ओके बेस्ट डायरेक्टर कौन है बेस्ट डायरेक्टर है हमारा विष्णुवर्धन जी किसके लिए शेर शाह के लिए और बेस्ट फिल्म शेर साहब आपके सामने बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर अब देखो एक एग्जाम हुआ उस एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन आया उसमें एक चार चीज़ पूछेगी उसने पूछ लिया बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर कौन है तो बच्चे इस प्रकार की चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है तो यहाँ पे साई तमाकर जी तो इनको बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर मेल में कौन है पंकज त्रिपाठी बड़े जाने माने कलाकार हैं ये भी थिएटर से जुड़े हुए हैं किस फिल्म के लिए लूडो फिल्म के लिए इनको बेहतरीन स्पोर्टिंग एक्टर का इनाम दिया गया चलिए अब आगे आते हैं आगे हमारा है अगला अवार्ड है आगे है डब्ल्यू एच ओ हु डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर की बात करते हैं हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है देखो कोई भी संस्था आपकी न्यूज़ में आती है आपको संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका हेड कौन है पता होना चाहिए जैसे इसका जिनीवा है हेड क्वार्टर है जिवाबा में और इसके मेन हेड का नाम का टेड रोज है तो डब्ल्यू एच ओ ने अवार्ड दिया किसको इसको पी जी आई का हमारे अगर बात करते हैं हमारा जो पंजाब साइड का जो इंडिया है ठीक है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पोर्शन तो इसमें एक बेहतरीन जो हॉस्पिटल है तो उसमें नाम आता है पी जी आई पी जी आई चंडीगढ़ एक जाना माना हॉस्पिटल है हमारे चंडीगढ़ में पड़ता है तो इसको जो अवार्ड दिया गया अब क्वेश्चन क्यों दिया गया दिया गया है जो इन्होंने तंबाकू तम्बाकू आप समझते हैं एक नशीला पदार्थ है तो इसको कंट्रोल करने में इन्होंने काफ़ी अच्छा रो प्ले किया है इसीलिए हमारी पी को जो चंडीगढ़ में है उनको ये अवॉर्ड दिया गया इन्होंने बेसिकली क्या किया है समझेगा जहाँ पर तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एट द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च ये काम किया है इन्होंने जिस कारण से इनको ये अवार्ड दिया गया अब अच्छी की बात समझना कुछ हमको स्टैटिक जानकारी वही पता होनी चाहिए जैसे कि आगे मैं आपको बोलूँ भैया हमारा वर्ल्ड नो तंबाकू डे कब आता है तो बोलिए मत थर्टी फर्स्ट मई को हमारा क्या आता है वर्ल्ड नो तंबाकू डे तो बच्चे इसको याद रखना अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे देखिए बच्चों आपके लिए विशेष खुशखबरी खुशखबरी क्या है जिन बच्चों का यूपी ए का एग्ज़ाम है हमें कई कॉल्स आई ठीक है जी बच्चों ने कहा कि सर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें खास कर यूपी ए की तो लीजिए हम लेके आए आपके लिए 15 डेज 15 डेज का ब्लास्टर सीरीज 50 डेज का ब्लास्टर सीरीज इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या करेंगे बच्चों को 15 डेज के लिए 11 जुलाई से हमारा ये क्या है सेशन स्टार्ट होने वाला है ठीक है जी जिसमें हम जो आपका जी के पोर्शन है और साथ में लो के पोर्शन है उसको कवर करवाएंगे ओके तो भैया इसको मिस मत करिएगा ठीक है जी और साथ में इलेवन जुलाई से डेट नोट डालना शाम के पाँच बजे शाम के पाँच बजे ये हमारा सेशन होगा एग्जेक्ट फाइव पी ओके तो इस टाइम पर आ जाइएगा तो ये चलेगा हमारा ट्वेंटी फाइव तक तो इसको मिस मत करना जो बच्चे तैयारी करें यू पी ए पी ओ की अगर बाकी कोई बच्चे किसी अन्य स्टेट के एग्ज़ाम का तैयारी करें जैसे कर, कर, यू पी जुडिशियर की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा ओके तो मिस मत करिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को तो ये आपका इलेवन जुलाई से स्टार्ट होने वाला जो कमिंग मंडे है ओके नंबर एक अब दूसरी बात है अगर मान लीजिए कुछ बच्चों की यूपी पी ए की तैयारी तो कहाँ हो चुकी है लेकिन उनको महसूस नहीं कर पाते पता नहीं कर पाते कि कहाँ पर गलती है है ना तो उसके लिए हमने क्या है इन बच्चों के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है कौन सी लॉ प्लस जीके देखो बात सुनो टेस्ट सीरीज़ हमारे पहले भी थी लेकिन इसमें हमने क्या किया है इसमें हमने क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है अब इसमें क्या है थर्टी वन हंड्रेड प्लस क्वेश्चन आप कवर करवाए जाएंगे लॉ प्लस जीके के तो मेरा मानना है अगर इन कोर्सों को कवर कर लेते हैं तो आपका यू पी ए पी ओ में जो आपकी रैंक है वो सिक्योर करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी ओके कॉम्पिटिशन बहुत सारा है ना और कमिंग टाइम में कमिंग डेज में हमारा यू पी ए पी ओ का एग्ज़ाम आने वाला है तो देखिए फीस मात्र हमारी कितना नाइन हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ है नौ सौ नब्बे रुपये हैं जो बच्चे स्टेटिस ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा उस नंबर पर संपर्क करिए आप ये टेस्टरी ज्वाइन कर ले अन्यथा क्या करिए हमारी ऐप है स्टडीज की उसको ज्वाइन कर लीजिए वहां भी आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी चलिए स्टूडेंट अब आते हैं हमारा मेन मुद्दा हमारा करंट अफेयर्स ओके बच्चे देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका जहाँ पे चैंपियन इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड वाई यूनिसेफ देखो यूनिसेफ यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो कार्य करती है बच्चों के लिए इसके फॉर्म क्या है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड देखो ये संस्था बनाई इसलिए गई थी जो दूसरे विश्व युद्ध में जो खासकर बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए उनके सहूलियत के लिए संस्था बनाई गई ओके और याद रखना ये संस्था बनी कब थी इलेवन दिसंबर को कब बनी थी इलेवन दिसंबर को याद रखना इस दिन हमारा क्या होता है यूनिसेफ डे भी होता है क्या होता है यूनिसेफ डे भी होता है अब यहाँ पे देखिए तो अवार्ड देखिए यूनिसेफ ने अवार्ड दिया किसको इम्यूनाइजेशन इम्युनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड किन मिला है ये हमारे मिस्टर उमर निसार जो आपका साउथ कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको दिया गया किसके लिए बेस्ट कंटेंट अवार्ड एंड द चैंपियन अवार्ड तो इतनी बात को आपने याद रखना ठीक है जी अगर साथ बात करें अगर तुमको बोला जाए कि यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है तो बोलेगा मत इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क ओके हेड क्वार्टर कहाँ न्यूयॉर्क हमको ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं चलिए हम आते हैं आगे है इंटरनेशनल बुकर प्राइस टू देखो बच्चे बात सुनो इंटरनेशनल बुकर आफ़ प्राइज एक होता है बुकर प्राइज़ इन दोनों में कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा ये दोनों अलग अलग अवार्ड हैं अगर मैं इंटरनेशनल बुकर ऑफ प्राइज की बात करूँ ये किन मतलब को देते हैं देखो दे होता क्या है जो नोवेल मतलब जैसे कोई और भाषा में से हम इनकी बात करते हैं जिनको अवार्ड दिया गया है तो शी इज़ इंडियन मिजन की पर्सन है इनका नाम क्या है गीतांजलि श्री जी गीतांजलि श्री की किताब थी इनकी हिंदी भाषा में थी इस किताब को इस महिला ने इनका नाम क्या है इनका नाम है डेजी डे जी ने इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर का प्राइज दो हज़ार बाईस तो ये बात आपने याद रखनी है जो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से मतलब किसी लोकल भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज में तो इनको मिलता है इंटरनेशनल बुकर का प्राइज एक होता है बुकर का प्राइज क्या होता है बुकर का प्राइज़ बुक का प्राइज मिलता किन को उनको जो नावल हमारा जो लिटरेचर पार्ट है वो हमारे इंग्लिश भाषा में ही क्या हुआ लिखा गया ठीक है जी तो ये बात आपने समझनी है ठीक है ये भी आपका एक भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और दूसरा आपका लिखा ही इंग्लिश लैंग्वेज में जाता है तो ये कुछ बातें हैं जो आपने समझनी है तो इनका नाम मत बोलिएगा डिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ना जाने जो आने कमिंग एग्जाम है तो उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइस और नाम किसका राइटर कौन है गीतांजलि श्री जी अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते और किताब का नाम मत बोलना टॉम ऑफ सैंड देखो टॉम ऑफ सैंड देखो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ये पूछ सकते हैं किताब ये किसने लिखी है गीतांजलि श्री ने तो बोलना नहीं है चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं आगे है ग्रह तो ग्रैमी अवार्ड जाने माने अवार्ड है देख के समझ के होंगे इसका संबंध क्या है म्यूजिक देख सकते हैं ना म्यूज़िक से संबंध है इसका तो अवार्ड तो कईयों को मिला है लेकिन हमारा कोशिश क्या होती है जो भारतीय कोई व्यक्ति है अगर जिसको ये अवार्ड मिला वो हमारे लिए क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर देखना यहाँ पे इंडियन अमेरिकन सिंगर नाम क्या है फाल्गुनी शाह तो दिस नेम इज़ इंपॉर्टेंट फाल्गुनी शाह को क्या मिला ग्रैमी अवार्ड मिला किस लिए मिला है इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड फॉर ए कलरफुल वर्ल्ड ठीक है कलरफुल वर्ल्ड इनकी रचना है जिसके लिए कोई एल्बम होगी जो भी है जो इनका वर्क है और साथ में किस कैटेगरी में लगे चिल्ड्रन एल्बम कैटेगरी दिस इज अ कैटेगरी जिस कैटेगरी में इनको यह अवार्ड दिया जाएगा तो फारूक शाह को भूलेगा मत यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है अब बच्चे आगे आते हैं आगे है हमारा नेशनल वाटर अवार्ड नेशनल वाटर अवार्ड फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी एज अ बेस्ट देखो होता है क्या है कोविड नाइन्टीन के कारण कुछ आगे पीछे हो रहे अवॉर्ड तो अवार्ड अब दिए जा रहे हैं देखो ये अवार्ड दिया गया नदर देन यूपी उत्तर प्रदेश को आपका तीसरा नेशनल वोटर अवार्ड दिया गया देखो उत्तर प्रदेश के बारे में समझिएगा उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है जाने माने हमारे नेता जी हैं योगी आदित्यनाथ जी तो ये आपको बोलना नहीं है ओके नंबर एक ये हो गया और उत्तर प्रदेश के बारे में एक खास बात है जो उसका यूपी हाई कोर्ट है सबसे बड़े नंबर ऑफ यू कैन सी लार्जेस्ट है अगर बात करें जजेस की संख्या में ओके यूपी खास बात है और इसके अलावा अगर बात करें इस बार का जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था क्या था गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे सेवेंटी थर्ड हमारे रिपब्लिक डे थे इस बार का जो हमने छब्बीस जनवरी को मनाया है इसमें क्या होता है बेस्ट निकलती है टैब्लू बेस्ट झांकी निकलती है उसमें जो बेस्ट झांकी का अवार्ड है वो भी यूपी को दिया गया है तो सम दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूपी ये याद रखना और इसके अलावा एक अगर बात करते हैं थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं अगर यहाँ पे खेती बाड़ी की बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो बताना चाहेंगी अगर सबसे ज़्यादा जो गेहूँ है बीट उसकी सबसे जो पैदावार है वो यूपी में होती है ओके सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है यूपी में होती है गन्ने में पहले यूपी था शुगर कैन बट अब महाराष्ट्र आ गए तो थोड़ा सा यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कुछ बच्चे ओल्ड नोट्स पढ़ते हैं लेकिन वहाँ भी मुश्किल आ जाती है अब यहाँ पर आइए यह, यहाँ पर इंटरनेशनल गांधी अवार्ड देखिए इंटरनेशनल गांधी अवार्ड दिया गया है किसके लिए फॉर लिप्रेसी लिप्रेसी समय तो एक बीमारी है जिसमें क्या होता है आपके स्किन ने आप हिंदी में उसको बोलते हैं कोड ठीक है जी तो लिप्रेसी धोई किस ये अवार्ड दिया गया है किसने दिया है वाइस प्रेज ऑफ इंडिया हमारे मिस्टर एम वेंकैया नायडू ठीक है इन्होंने दिया है किसको मिला किसको है डॉक्टर भूषण कुमार डॉक्टर भूषण कुमार जी को यह अवार्ड दिया गया तो इस बात को आपने याद रखना है डिस पर्सन नेम इज़ इम्पॉर्टेंट ओके बाकी फालतू एक्स्ट्रा मेटीरियल मैटर है मुझे लगता है हमें कवर करना है अब यहाँ पे आते हैं सरस्वती सम्मान देखो सरस्वती सम्मान भी आपका लिटरेचर की दुनिया में देखो दो तीन अवार्ड हमने कर लिए सरस्वती सम्मान हो गया साहित्य अकेडमी हो गया ज्ञानपीठ हो गया दी थ्री अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर ओके तो यहाँ पे है सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो माफ़ी चाहूँगा कलम गिर गया लिखते लिखते तो यहाँ पे सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो जाने माने हमारे प्रोफेसर हैं इनका नाम है रामदर्श मिश्रा जी रामदर्श मिश्रा जी को आपका सस्त सम्मान दिया गया किस लिए इनकी जो पोएम की कलेक्शन है मैं तो यहाँ हूँ मैं तो यहाँ हूँ अगर बात करते हैं अवार्ड देता कौन है देने वाली संस्था है उसका नाम है के के बिरला फाउंडेशन ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो इन तीनों अवार्ड्स लिटरेचर के अवार्ड है इसको बोलेगा मत आगे है देखो इनको कौन नहीं जानता अफगानिस्तान में इनका किसी कारण से क्या हो गया इनको किल कर दिया गया है ना तालिबान के द्वारा ऐसी कुछ बात आई थी बीच में खबर तो इनका नाम क्या है डैनि सिद्दकी जी तो इनको जाने माने कुछ अनाम दिए जा रहे हैं अवार्ड दिए जा रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसको क्या अवार्ड मिला देखो डैनि के बारे में बात है इनको अवार्ड मिला है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वेंटी का 2020 का, का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी किसको मिला है डैनि सिद्दकी को जो इनकी क्या हो गई हत्या हो गई थी कहाँ पे अब ड्यूरिंग हिज काम कर रहे थे वहां पे पत्रकारिता का जो भी है तो अफगानिस्तान में इनकी डेथ हो गई थी चलो इनको मिला तो याद रखिएगा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी अब बच्चे आगे बढ़ते हैं आगे है हमारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड देखो स्टार्टअप क्या होता है जिसने नया नया काम स्टार्ट किया हो है ना नया नया बना हो अपना इंटरप्रन्योर तो उसको बोलते हैं स्टार्टअप ओके तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया गया दो का तो यहाँ पर देखिए किसको मिला है

कर्नाटका राज्य के जो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड प्राप्त किए चलिए बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे है बेस्ट प्राइवेट बैंक क्या है बेस्ट प्राइवेट बैंक तो ये हमारे सामने है बेस्ट प्राइवेट बैंक इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंक के अवार्ड्स देखो एक बात समझना अगर हम बात करें भारत में तो भारत में कहीं प्राइवेट बैंक भी है कहीं आपके सरकारी बैंक भी है अगर मैं बात करता तो सरकारी बैंक देखो सरकारी प्राइवेट बैंक क्या होता है कोई बैंक जिसमें उस कंपनी के मोर देन फिफ्टी शेयर मोर देन फिफ्टी परसेंट शेयर बिलोंग टू विच बॉडी अगर ये आपकी सरकारी है गवर्नमेंट है तो उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक अगर ये प्राइवेट है बोलते हैं प्राइवेट बैंक सिंपल फंड है ठीक है अगर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से बैंक की बात करें तो बारह है पब्लिक बहुत सारे है। ठीक है जी तो देखिए वैसे ही इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है एस बी आई है सबसे बड़ा बैंक कौन सा एस बी आई है।, है।, है अगर मैं बात करूँ प्राइवेट में प्राइवेट में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है वो है तुम्हारा एच डी एफ सी कौन सा है एच डी एफ सी तो एच डी एफ सी को ही ये अवार्ड दिया गया है तो इस बात का आपने ध्यान रखना तो समझिएगा यहाँ तो दिस इज़ एच डी एफ सी ने ग्लोबल प्राइव बैंकिंग में ये अवार्ड आपका जीता है ठीक है जी तो ये आपने बोलेगा मत चलिए आगे आते हैं आगे है इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल लोक कला तो ये हमारा दुबई में ये अवार्ड दिया गया तो इनको देखिए इनका नाम क्या है इनका नाम है सुमित बाल सुमित जी इनको अवार्ड दिया गया किस काम को दिया गया इनको दिया गया है लाविनी देखो लाविनी क्या है लावनी इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र लाविनी क्या है लावनी इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र आजकल महाराष्ट्र में काफी चल रहा है ना पर डिस्प्यूट वहां पे नए सीएम बने एक नाथ शिंदे जी तो ये भी याद रखना एक नाथ शिंदे क्या बने हैं महाराष्ट्र के न्यू सीएम बने हैं ठीक है डिप्टी सीएम कौन बने भारतीय जनता पार्टी से मिस्टर फडनवीस ओके तो ये बात है तो यहाँ पे याद रखना इंटरनेशनल फोकट फेस्टिवल जो दुबई में दिया गया तो सुमित जी को आपका लावनी जो लोक नृत्य है जो महाराष्ट्र का है उसके लिए अवार्ड दिया गया चलिए बच्चों आगे आते हैं आगे है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर तो दिया गया मिस्टर पी आर श्रीजस देखिए हमारी जो इंडियन हॉकी टीम है उसके गोल कीपर गोल कीपर जी हैं जी हमारे मिस्टर पी आर जी श्रीजस इनको दिया गया वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवॉर्ड देखो बात सुनो अगर तुमको आ जाए पीटा पीटा ने अवार्ड दिया क्या पर्सनल ऑफ द ईयर एक इसको दिया ये दी है आलिया भट्ट को तो ये मत बोलना अगर आगे आ, आ जाए कि भैया टाइम मैगजीन ने टाइम मैगजीन ने पर्सनल ऑफ ईयर अवार्ड किसको दिया तो ये मत बोलना ये दिया आपका एलोन मस्क को किसको दिया एलोन मस्क को तो ये कुछ ये अपने गिने चुने अवार्ड है जिसको ऊपर ना जाने एग्जाम में क्वेश्चन बनते बनते अब आ आगे आइए आगे हमारा सेवेंटी नाइन ग्लोबल ग्लोब अवार्ड सेवेंटी नाइन ग्लोबल ग्लोब अवार्ड इसमें देखिए बेस्ट फिल्म कौन सी है बेस्ट फिल्म ड्रामा में कौन सी है द पावर ऑफ डॉग देखो पावर ऑफ डॉक की यहाँ बात करते हैं पावर ऑफ डॉग देखो अगर बात करते हैं जब हम पढ़ेंगे कौन सा बावफ्ता क्या पढ़ेंगे बाफ्ता बाफ्ता ब्रिटेन वालों का अवार्ड होता है इसमें भी इसी फिल्म को दिया गया है ठीक है बेस्ट फिल्म का ओके इसके अलावा बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में वेस्ट बेस्ट वाइड स्टॉरी बेस्ट एक्टर ड्रामा में तो बिल स्मिथ देखो बिल स्मिथ शाये हुए हैं शाए क्यों हुए हैं में मैंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया ना तो काफ़ी लोगों का मनोरंजन हुआ जिस कारण से इनको वहाँ से बैन भी किया गया ओस अवार्ड में ठीक है जी तो बिल्स में सब में सेम है तो भाई बिल स्मिथ बेस्ट एक्टर में नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन एट परसेंट चांस है बेस्ट एक्टर यही रहे हैं ओके okay, तो बेस्ट एक्टर्स कौन है इसमें निकोल किडमैन बीइंग द और ये फिल्म का नाम है तो इसको देख लेना आगे बढ़ते हैं ये क्या है सेवेंटी नाइन ग्लोबल ग्लोब अवार्ड आगे बढ़ते हैं आगे हमारे यहाँ पर आएगा बाप्ता बापथा हमारा सेवेंटी फिफ्थ है बाप्था ब्रिटेन वालों का अवार्ड है और उसका यूएसए वालों का वालों वालों इसमें बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ डॉग ये बता चुका हूँ द पावर ऑफ डॉग बेस्ट फिल्म देखो बात सुनो पावर ऑफ डॉग यहाँ बेस्ट है और आपको वहाँ भी है ग्लोबल ग्लोब अवार्ड में अगर हम बात करें ऑस्कर में ऑस्कर में जो बेस्ट फिल्म है वो है कोडा क्या है ऑस्कर में अगर बात करें बेस्ट फिल्म का वो हमारी क्या है कोडा फिल्म बाकी बेस्ट एक्ट्रेस सब में सेम है बेस्ट एक्टर सब में सेम है डायरेक्टर यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्टर है हमारे मिस्टर जेन कैंपियन जी द पावर ऑफ डॉग ओके बेस्ट एक्ट्रेस जोना स्केलन आफ्टर लव बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल तो बिल स्मिथ इस डाउट नहीं होना चाहिए अब यहाँ पे आइए आगे हैं ओस्कर ये मैंने इकट्ठा कर दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो तो बेस्ट एक्टर बेस्ट में नो डाउट किंग रिचर्ड बेस्ट एक्ट्रेस जैसी का यह आपने याद रखना बेस्ट पिक्चर कोडा ये बता दें मैंने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म डेट इज ड्राइव माई कॉर ओके दीज आर सम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इंटरनेशनल तो इसको बोले के बाद आगे पदमा अवार्ड देखो पदमा अवार्ड दिए तो बहुत तो पहले गए थे बट मैं फिर बता देता हूँ यहाँ बस इतना नोट कीजिएगा एक सौ अट्ठाईस पदमा अवार्ड दिए गए थे कहाँ पे सेवेंटी थर्ट रिपब्लिक डे में तो इसमें से अलग अलग कैटेगरी होती है अगर बात करें तो सबसे ऊपर होता है वो होता है पद्म विभूषण पद्म विभूषण क्या हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये बोला नहीं आपने उसके बाद आता है हमारा पद्म भूषण आता है फिर आता है पद्मश्री आता है तो पद्म विभूषण की बात करें चार लोगों को दिया गया जिसमें से हमारे राधे श्याम खेमका जी और जल बी पी जी और श्री कल्याण जी ये तीनों मृत्यु हो चुकी है इनकी तो ये आप प्रभाजी जीवित हैं इनकी तो जन बीपी रावत आप बोल बोल सकते हैं इनको ही इज आवर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हुई थी क्या है सी डी एस आवर फर्स्ट सी डी एस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ओके कल्याण सिंह ही इज अक्स सी एम ऑफ उत्तर प्रदेश ओके okay, देन श्री राम खेमका जी तो ये आपने ध्यान रखना चलिए अब आगे आते हैं आगे है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड तो देखिए यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी नीरज चोपड़ा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और अभी भी कर रहे हैं अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इन्होंने इस बार भी नीरज चोपड़ा ने मेर कैटेगरी में स्पोर्ट्स स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर किसने दिए स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड आपका स्पोर्ट्स स्टार ए सू थाउजेंड ट्वेंटी टू यह आपने याद रखना है और फीमेल में किसको मिला है मीराबाई चानू वेट लिफ्टर मीरा भाई चानू देखो मीरा भाई चानू को ना पता है ना आपको टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो उसमें जो पहला हमारा मेडल आया था फर्स्ट मेडल वो क्या था वो सिल्वर वो सिल्वर मेडल कौन लेके आई थी वो मीरा भाई चानू लेके आई थी करती क्या वेट लिफ्टिंग कहां से मणिपुर से बिलोंग करती है तो ये बात आपने ध्यान रखनी है चलिए अब आगे आते हैं आगे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन देखो इंटरनेशनल शूटिंग शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आई एस एस एफ तो ये हमारा वर्ल्ड कप हुआ इसमें भी इंडिया ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया तो इस बात को आपने ध्यान रखना काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया ओके यहाँ पर हेडक्वार्टर बताया गया हेडक्वार्टर है इसका मुनिश जर्मनी में है ठीक है जी तो यहाँ पर एक यह कैरो इजिप्ट की राजधानी है कैरो वहाँ पर ये आपका जो मैच हो ये हो रहा था जिसमें क्या हुआ बाई विनिंग टोटल सेवन मेडल देखो बात समझ ना टोक्यो ओलंपिक में भी हमारे सात मेडल थे ठीक है टॉपी ओलंपिक में सात मेडल और यहाँ पर सात मेडल आए हैं तो थोड़ा सा कह सकते हैं एक कोइंसिडेंस हो गया ना यू कैन से इतफाक टाइप तो नॉर्वे टू सेकंड प्लेस टॉप पे कौन है इंडिया नॉर्वे सेकंड इतना काफ़ी है अगर बोला जाए सबसे पहला मेडल तो शूटर का नाम बताइए जो सबसे पहला मेडल लेके आया हमारे लिए यहाँ पे तो वो है सौरभ चौधरी जी और ये क्या था फर्स्ट गोल्ड फर्स्ट गोल्ड ओके तो ये आपने ध्यान रखना है आगे है ऑस्ट्रेलिया ओपन क्या है ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन देखिए बात सुनिए टेनिस की दुनिया के कुछ जाने वाले अवार्ड है तो ऑस्ट्रेलिया टेनिस का टूर्नामेंट है उसकी कुछ अवार्ड है जिनको हम क्या बोलते हैं ग्रैंड स्लैम आई थिंक लिखा हुआ या मैंने नहीं लिखा हुआ क्या बोलते हैं ग्रैंड स्लैम साल में चार वाले होते हैं ग्रैंड स्लैम पहला क्या होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन दूसरा क्या होता है उसको बोलते हैं फ्रेंच ओपन तीसरा क्या होता है वर्ल्ड ओपन और लास्ट वाला क्या होता है यूएस ओपन ये दोनों हो चुके हैं ये दोनों हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है फ्रेंच ओपन हो चुका है हैरानी की बात क्या दोनों में जो बेस्ट प्लेयर है जो मैन कैटेगरी में जो अवो जीतता है वो जीतता है हमारा राफेल नडाल ओके राफेल नडाल याद रखना ये हमारे बिलोंग करते हैं भाई साहब इस स्पेन से बिलोंग करते हैं ओके तो ध्यान रखना कभी कभी क्या होता है तुम तो वो पूछ लेते हैं ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है तो याद रखना बेस्ट प्लेयर दोनों में सेम है ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन जिसका एग्जाम आए बता देना आगे वुमेन सिंगल में कौन है एचली बार्टी ठीक है ये तो ये बोलना मत तो मैन डबल में थे बाकी ये आपके सामने तो देख लेना रेफरेंट डाले ले, ऑस्ट्रेलिया ओपन और आपका फ्रेंच ओपन दोनों में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीतता है आगे हमारा है मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड की बात करते हैं तो इस बार का सेवेंटी मिस वर्ल्ड तो इसमें जीता किसने कैलोलना ने देखो ये नाम आपको याद होगा लेकिन क्वेश्चन क्या है आपको ध्यान में क्या रखना है किस कंट्री से बिलोंग करते पोलैंड से बिलोंग करते हैं और पोलैंड के कैपिटल क्या होते हैं बार तो ये बस बोलना ठीक है जी हाँ अगर बात करूँ थोड़ा सा जहाँ पे अगर जीके की बात करते हैं पहली पहली इंडियन फीमेल जिसको ये अवार्ड मिला पहली इंडियन फीमेल जिसको मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला वो कौन है है ना मिस वर्ल्ड कौन मिला वो कौन है देखो बात सुनो कई लोग बोलते हैं कि सर ऐश्वर्या जी है ना वो नहीं है उनसे पहले थी रीता फाड़िया जी रीता फाड़िया जी हमारी पहली फीमेल थी इंडियन जिसको ये अवार्ड मिला कौन सा फर्स्ट इंडियन जिसको मिस वर्ल्ड का मिला हाँ अगर फर्स्ट यूनिवर्स की बात करते हैं फर्स्ट मिस यूनिवर्स वो किसको मिला है वो मिला है हमारा सुष्मा सेन सुषमता सेन और इसमें खास बात क्या है इस बार का जो मिस यूनिवर्स हुआ है इसमें इंडिया ने रोल प्ले किया है और वो कौन है हरनास संधु हरनास संधु है ठीक है जी तो इनको ये अवार्ड मिला है अब एक और बात करते हैं अभी 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 अभी, अभी कुछ दिन पहले आपका बे, आ, मिस इंडिया मिस इंडिया दो हजार बाईस फेमीना मिस इंडिया दो हजार बाईस ये अनाउंस कर दिया गया तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है आपका सिनी सिनी है लड़की हमारी सिनी सैनी इफ एम नॉट रॉन्ग शी बिलोंग टू कर्नाटका तो कर्नाटका से इनका संबंध है तो ये कुछ खूबसूरत कुछ जाने वाले इनाम है तो इसको आप बोलेगा मत ध्यान में रखने है आपने चलिए बच्चों अब आगे आते हैं आगे है हमारा यहाँ पे मैक्सिकन ओपन टाइटल ये देखो तो टेनिस दुनिया से जुड़ा हुआ इनाम है ठीक है ये भी जीता किसने है? जीता है हमारा रेफरेंट डाल भाई साहब देखो तो बात क्या है लगता है इस बार इस दो हज़ार बाईस इनके लिए बड़ा अच्छा साल है पिछले साल तो क्या हो पिछले साल में जो हमारे ग्रैंड स्लैम के पहले तीन टूर्नामेंट वो जीते थे नोवाक जोकोविक ये लड़का कहाँ है, के हैं हमारे सर्बिया के हैं ठीक है, है जी, उसने जीते थे लेकिन लास्ट में क्या हुआ लास्ट में जो यूएस ओपन था वो डैनियल जो रशिया का वो जीत गया था लेकिन इस पर इस लड़के का सतारा इतना अच्छा नहीं रह रहा फिलहाल रेफेल डाल अच्छा परफॉर्म करे आप कंट्री भी रखें किस कंट्री से बिलोंग करते हैं समटाइम क्या होता है हमें कंट्री पूछ लेते हैं स्पेन और इसके कैपिटल क्या है मैड्रिड ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब आते हैं फ्रेंच ओपन जब बता चुका आई डोंट थिंक सो मुझे यहाँ बताने की जरूरत है ठीक है जी फ्रेंच ओपन तो ये देखिए अगर मैन डबल की बात करते हैं तो आपके सामने नाम है ठीक है जी और मैन डबल के और मिक्स डबल तो देख लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पे आते हैं अब आते हैं हमारे कैटेगरी इम्पोर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ कुछ लोग जो हमारे न्यूज़ में है और एग्जाम में ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं चलिए देखते हैं कौन कौन न्यूज़ में है? अब यहाँ पे आइए यह पहली बार पहली बार सेबी सबसे पहले क्वेश्चन से सेबी है के। देखो से फुल क्या? फुल फॉर्म क्या है? इट इज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ओके, करती क्या है? अगर बात करते हैं शेयर मार्केट को शेयर मार्केट इसे कंट्रोल करती है रेगुलेट करती है नंबर वन नंबर टू इंडिया की कुछ रेटिंग एजेंसीज होती हैं क्या होती है रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कारपोरेशन कंपनी उनको क्या करती है रेटिंग देती है तो उन रेटिंग एजेंसी को कौन करता है एग्लेट उनको से भी करता है तो ये बात याद रखना आर बी नहीं करता है से भी करता है ओके ये बात याद रखनी तो सेफ भी ये बनी कब थी बनी थी उन्नीस सौ अठासी में लेकिन इसको जो लीगलाइज रूप है इसको लीगलाइज किया गया बाकायदा एक्ट बना के एक्ट कब बना उन्नीस सौ बानवे में नाइनटीन नाइन्टी टू में ठीक है ये तो यह या रखना आपने तो फिलहाल इसकी पहले इसका अजय त्यागी थे हेडक्वार्टर मुंबई में है नोट कर लेना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मुंबई में है तो पहली फीमेल फर्स्ट वुमेन जो इस के क्या बनी है चेयरपर्सन बनी है उनका नाम है वो आपके सामने रिप्लेस किया अजय त्यागी जी को तो हर नेम इज मदाबी पुरी बुच ओके तो मदाबी पुरी जी फर्स्ट इंडियन फीमेल बन चुकी है जिसने इस डेजिग्नेशन को प्राप्त किया चलिए बच्चों अब आगे आते आगे है न्यू चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी देखो बेसिकली संस्था है क्या इसको हम नैक बोलते हैं देखो नेशनल असेसमेंट एग्रीडेशन काउंसिल इसको क्या होता है बेसिकली यू की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो इसकी इस संस्था की तो लेडी फॉर्मर जो बनाया गया डॉक्टर भूषण डॉक्टर भूषण को इस संस्था का नया चेयरपर्सन बनाया गया तो ये बात आपने याद रखनी है चलिए बच्चों अब आगे आते हैं आगे आते हैं आगे है हमारा सर्जियो देखो सर्जियो इटली के पेडेंट है इटली के पेडेंट है तो इटली की जो प्राइजिडेंट है सर जो, जो इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया दोबारा से ये प्राइजिडेंट ग्रुप में चुने गए अस्सी सालों इनकी उम्र हो चुकी है ओके आगे आते हैं आगे है हमारा अबासन जी ट्वेंटी देखो जी ट्वेंटी क्या है जी ट्वेंटी इज द ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज नाइन्टी कंट्री प्लस वन यूरोपियन यूनियन उन्नीस कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन का संगठन है हमारा आपका जी ट्वेंटी अब हमारे लिए क्या होता है ये ऐसी संस्था होती है उनकी ग्रुप की मीटिंग होती है सबमिट बोलते हैं उसको कहाँ कहा और इम्पोर्टेंट है जैसे कि अगर बात करें दो की जो इनकी मीटिंग हुई जी की वो क्या हुई सिक्सटी नंबर की थी वो कहाँ हुई इटली में ओके okay, अच्छी बात है अब इंडोनेशिया में दो हजार बाईस की हुई सेवनटी नंबर की अब यहाँ बच्चे स्टार मार्क कर लो स्टार मार्क करना पड़ेगा दो हजार तेईस की जो हुई वो इंडिया में हो रही है और ये कौन से नंबर के अठारहवें नंबर के अब यहाँ बच्चे सामने ना यहाँ पे आजकल काफ़ी डिस्प्यूट पड़ा हुआ है क्यों क्योंकि इंडिया बोल रहा है कि हम इसको करवाएंगे कहाँ पे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में लद्दाख में ये जी ट्वेंटी की मीटिंग होनी चाहिए दो हजार तेईस की तो ये न्यूज़ अपने आप में बड़ा मुद्दा बना हुआ है काफ़ी न्यूज़ में भी सुनने को मिल रहा है तो इसको आपने याद रखना बोलना मत जी ट्वेंटी मीटिंग कहाँ पर होने पर दो हजार तेईस वाली हमारी इंडिया में हो रही है और ये कौन से नंबर की एटीथ नंबर की अब यहाँ पर देखो या ये क्या लिखा हो ये लिखा ट्रायोका ये है क्या तो वो समटाइम क्या होता है कुछ नाम आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो हमको वो नाम ज रखने होते हैं ठीक है जी जैसे कि वो क्वैट्स होते हो ओकस सुनते हो ये का क्या है बेसिक कुछ खास नहीं है जो जी ट्वेंटी है इटली में क्या हुआ इटली में हिसाब था ये आपका टाइय का निकल के आया है ये जी ट्वेंटी की टॉप की थ्री कंट्रीज़ है उनका ग्रुप है जैसे इंडोनेशिया इटली आई तीनों आई आई से हैं इनको मिला के क्या बोला था टाइका तो इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या बनाया है आपका टाइका तो इस बात को आपने याद रखना चलिए अब आगे आते आई एम एफ इंटरनेशनल माउंट्री फंड इंटरनेशनल माउंट्री फंड तो इसके पहली डिप्टी एम डी अपॉइंट किए गए इनका नाम क्या है गीता गोपीनाथ गीता गोपीनाथ जी पहले क्या थी श्रीवाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू आई एम एफ बट इनको भी फिलहाल इस डेजिनेशन पर रख दिया गया तो ये बात आपने बोलनी नहीं है चलिए अब आगे आते आई है न्यू चेयरमैन ऑफ़ अशेक और बात अगर तुम कोई बोले ना आई एम एफ इसका हेडकोर्टर कहाँ पर इसका डक्वार्टर है हमारा वाशिंगटन डीसी में ठीक है जी और याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं ट्विन बदर ट्विन ऑफ वर्ल्ड बैंक ट्विन ऑफ वर्ल्ड बैंक बोलते हैं और साथ में इसकी उत्पत्ति हुई थी आपके बैटर कन्वेंशन से ओके चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं आगे है न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए अलका उपाध्याय जी तो ये बात आपने याद रखनी है अलका उपाध्यायी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट किया गया चलिए अब आगे आते हैं आगे है ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी देखो बायोग्राफी क्या होती है जीवनी ऑटो मीन अपनी जीवनी खुद लिखना उसको बोलते हैं ऑटोग्राफी बायोग्राफी अब देखिए किताब है बेसिकली किताब है ये देखिए ही कौन व्यक्ति कौन है ही इज द सी एम ऑफ तमिलनाडु तो तमिलनाडु का सी एम है हिज नेम इज एम के स्टालिन इनका संबंध है डीएम के पार्टी से ठीक है जी तो देख सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साथ में है तो इनके साथ यहाँ पर इन्होंने बुक लॉन्च की है बुक देख लीजिए सर अब मुद्दे की बात है इनके ऑटो का नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना उसका नाम है उनगेल उर्वन तो ये नाम बोलना मत कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन जी की चलिए अब बच्चे आगे बढ़ते हैं आगे है नाइस स्टेट विदड्रॉ जनरल कॉन्सेंट टू तो सी बी आई सी बी आई स्टैंड फॉर सेंट्रल अभी अलग बात सुनो हमें कभी कभी क्या होता है जो चीज़ करंट में चल रही है उसके आसपास की जो भी जानकारी समझिए और समझिए आपके एग्ज़ाम के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट अब पहले यहाँ पे आइए देखो सी बी की बात करते हैं तो सी को एक बार क्या हुआ था हमारा केस था उस केस का नाम था कोल स्कैम क्या केस था कोल, केस का नाम था कोल स्कैम उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ सी को कहा गया तोते में पड़ा हुआ पिंजरा सॉरी पिंजरे में पड़ा तोता गलती कर दी मैंने केज पैरट्स माफी चाहूँ कभी कभी क्या हुआ ट स्किप पड़ जाती है पिंजरे में पड़ा हुआ पिंजरे में आपका जो तोता है उसको बोलते केज पैरेट ये बात सीबीआई ने कही किस केस में कोल्स स्कैम है ये बात आप याद रखना नंबर एक नंबर दो अब यहां पे क्या है यहां पे कह रहे हैं टू विदड्रॉ जनरल कॉन्संट टू सी अब इसका मतलब क्या है भारत के नौ राज्य हो गए जो नाइन्थ है मेघालय को मिला अब होता है क्या है सी अगर मान लीजिए सीबीआई ने कहीं पे नमस्कार ज्योति जी नमस्कार अब मान लीजिए अपना सीबीआई है क्या सीबीआई किसी भी राज्य में अपनी इंक्वायरी कर सकता है नहीं उसको अगर इंक्वायरी करनी है तो उस राज्य की उस स्टेट की क्या चाहिए परमिशन चाहिए क्या चाहिए परमिशन चाहिए कंसर्न चाहिए अगर कंसर्ट नहीं है तो सी बी भी उस पर्टिकुलर स्टेट में अपने जो कार्य है वो नहीं कर पाएगी इसको आपने बोलना है नंबर वन नंबर टू लेकिन अगर मान लीजिए अगर सी बी आई को ऑर्डर मिल जाता है हमारे मान्य कोर्ट का अगर सी बी आई को हमारे मान्य कोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है क्या उस केस में भी सी बी आई को कंसल्ट लेनी पड़ेगी उस केस में कंसल्ट नोट रिक्वायर्ड तो ये बात है तो फिलहाल हमारी जो करंट के हिसाब से तो नौ राज्य हैं तो नाइन्थ राज्य कौन सा है मेघालय अच्छा एक बात और समझना मोस्टली जितने भी राज्य है इसमें एक बात नोटिस करना मोस्टली क्या होंगे जो ऑपरेट पार्टी के हैं तो उन्हीं का ही होगा है ना एक दो उनके राज्य के भी है जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है लेकिन फिर भी ध्यान रखना अच्छा एक और बात अगर सबसे पहले बोला जाए सबसे पहले उस राज्य का नाम बताइए जिसने कॉन्सल्ट विड्रॉ की थी तो वो थी आपकी दो हज़ार पंद्रह में विड्रॉ की थी वो कौन था मिजोरम तो ये बोलना मत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल इसके हमारे जो डायरेक्टर है इस ने सुबोध कुमार जायसवाल इसका डायरेक्टर दो साल के लिए अपॉइंट किया जाता है चलिए अब आगे आते हैं आगे हमारा फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ टू प्ले सिक्स वर्ल्ड कप देखो अभी फिलहाल इन्होंने रिटायरमेंट ले लिए मिथाली राज ने तो ये हमारी पहली भारतीय महिला जो तो फर्स्ट महिला कह लो जिसने छः वर्ल्ड कप आपके खेले हैं ठीक है जी तो मिथाली राज ने रिटायरमेंट ले लिया ये बात बता चुका हूँ अब उनकी जगह पे जो उनके कैप्टन जो पद है वो किसने संभाली है वो संभाली है हमारा हरमनप्रीत कौर ने ओके okay, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है मिथाली राज के बारे में अब यहाँ पे कुछ मैंने मिथाली राज के बारे में कुछ बताया हुआ है जैसे कि कौन कौन से इनको अवार्ड दिए गए अब ये देखिए आपके सामने है जैसे कि अर्जुन अवार्ड दिया गया इनको टू थाउजेंड थ्री में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया दो हजार इक्कीस में अब इसके अलावा बात करते हैं इनको पद्मश्री दिया गया दो हजार पंद्रह में और याद रखना पहला पहला व्यक्ति इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया था वो किसको दिया गया था वो दिया था विश्वनाथ अनंत को विश्वनाथ अनंत को ये अवार्ड दिया गया ये इनकी करियर के बारे में बताया गया कितने मार्क्स लिए है ना मार्क्स बोले कितने नंबर इनके स्कोर है डिफरेंट मैचेस में अब यहाँ पे आओ आगे हैं एफ ए टी एफ एफ ए टी एफ स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ ए टी एफ स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करते क्या है समय ना देखो होता क्या आप आए आगे दिन अगर थोड़ा करंट अफेयर आप ढंग से अपडेट रहते हैं तो आप सुनते हो गए एफ ओ टी एफ ने इस पर्टिकुलर संस्था को इस पर्टिकुलर कंट्री को क्या डाल दिया ग्रे लिस्ट में डाल दिए क्या सुनते हो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए अब देखो इस लिस्ट में डालने का मकसद क्या हो फिलहाल जैसे केवल न्यूज है तो जैसे यहां पे तो क्या उसका नया पहले अपॉइंट किया गया एक न्यूज है इसने फिलहाल यू को क्या डाल दिया था ग्रे लिस्ट में यूए को ग्रे लिस्ट में डाल दिया एफ ए टी ने यह बना कैसे एफ एफ को बनाने में जो रोल है वो रोल प्ले करता है जी सेवन जी सेवन कंटे ग्रुप है सात कंट्री का उन्होंने एफ बनाया क्यों ताकि जो आतंकवाद है उसको फंडिंग जाती है उसको कंट्रोल कर सके या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग है कई लोग जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट माध्यम थ्रू जैसे हवाला के थ्रू जो भी वे हैं तो उसको तो कंट्रोल करने के लिए एफ हमारा काम करता है तो यहाँ पर टी राजा कुमार जी इसको अपॉइंट किया गया इसका जो लगते है इंडियन है बट इंडियन नहीं है सिंगापोरियन है जो व्यक्ति हैं सिंगापुर से बिलोंग करते हैं तो ये बात आपने ध्यान रखने और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका पेरिस फ्रांस आगे आते हैं आगे हेडवाटर ट्वेंटी थर्ड वुमेन ग्रैंडमास्टर देखो इसका संबंध क्या है चेस से शतरंज हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए 21 ग्रैंड मास्टर कौन बना तो यहाँ पे याद रखना 23rd आपका वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बना है इनका नाम प्रियंका नटकी जी तो ये नाम आपने भूलना नहीं है एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा तो बता देना आगे स्कोर स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 तो एक ही अवार्ड का नाम की, की है स्टेट ऑफ गवर्नेस नैंक मुद्दे की बात है प्रबंधों को लेके एक अपना इंडेक्स एयरपोर्ट निकलेगी उसमें टॉप किसने किया बस इतना देखना तो आंध्र प्रदेश देखो आंध्र प्रदेश ने क्या कर टॉप किया किसम स्को स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में इतनी यहाँ पर बात है लगातार दो साल से टॉप पर रह रही है आ गया ऑटोबायोग्राफी देखो एक हमने बायोग्राफी पढ़ी जो ऑटोबायोग्राफी वो किसकी है हमारे तमिलनाडु के जो सीएम है अब यहाँ पर दूसरी कौन सी है दूसरी है ऑन बोर्ड माई ईयर इन बी सी से ये व्यक्ति कौन है इनका नाम है रत्नाकर शैटी जी इन्होंने जब आपको पता होगा एन सी पी नेशनल कांग्रेस जो हमारी पार्टी है महाराष्ट्र में उनके जो हेड है शरद पवार जी वो उस समय बी सी सी के हेड थे जिनके टाइम पर जो व्यक्ति उस समय वहाँ पर अपना कार्य कर रहे थे और ये बुक लॉन्च हुई उन्हीं के अंतर्गत ही की गई है ओके शरद पवार के अंतर्गत लिखा हुआ वो उनका नाम शरद पवार जी जो एन सी पी पार्टी से बिलोंग करते हैं ठीक है जी तो ये रत्नागर शैटी बुक लिखी है नाम क्या ऑन बोर्ड माई ईयर इन बी तो इन्होंने बताया कि इस किताब में जो इनका अपना एक्सपीरियंस है जब इन्होंने बी में काम किए ये एक्सपीरियंस अपना इन्होंने इस किताब के द्वारा शेयर किया ये बस इतना ही है और कोई खास बात नहीं है अब आगे चलते हैं आगे हैं देखो यहाँ पर देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोरिया कौन सा साउथ कोरिया साउथ कोरिया के जो पेरेंट हैं ये हमारे न्यू अपॉइंट हुए इलेक्टेड हुए इनका नाम क्या है इनका नाम है यून सुक यूल ओके ये बोलना यून सुख यूल क्या है साउथ कोरिया के न्यू प्रेजिडेंट अपॉइंट हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ बी डेम इंस्टीट्यूट देखना लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ बी डेम इंस्टीट्यूट ये लॉन्च किया गया अब यहां पे देखो सिंपल देखना कि इंडिया कहाँ पे देखो इन साउथ एशिया इंडेज रैंक बिलोंग श्रीलंका ठीक है जी तो बस रैंक कितना हमारा नाइन्टी थर्ड रैंक है हमारा क्या रैंक है नाइनटी थर्ड रैंक किस में आपका लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ओके अब यहाँ पे है आगे यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस ये मैंने क्यों बताया क्योंकि हमारे अभी इसी साल से हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ पे महिलाओं को लेके जो महिला जज हैं तो ये डे हमने सेलिब्रेट किया तो ये डे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्च टेन को क्या है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज अब कुछ बच्चे क्या करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे से इसको लिंक कर देते हैं देखो वुमेन डे दे जो आता है हमारा वो आता है आठ मार्च को लेकिन जज वाला बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज वो हमारा टेन मार्च को आएगा इसको बच्चे स्टार मार्क कर लेना हमारे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है अब यहाँ पे आइए आगे देवशिष्ट पांडे जी तो ये इनको क्या बनाया गया चेयरमैन ऑफ आई, आई देखो ये आई, 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 आई क्या है एक बात समझना आई आर संस्था है जो क्या करती है ये रेगुलेट करती है किसको रेगुलेट करती है ये करती है हमारी इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंश्योरेंस बॉडी है उनको रेगुलेट करने का काम क्या है वो है आई आर डी आई देखो जो ही रेगुलेटरी बॉडी होती है ना इसके बारे में ध्यान रखा करो एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं चलो बच्चों अब थोड़ा आगे बढ़ते अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दो जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो करना क्या सर्च करेंगे लिखकर स्टडीज तो आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा ठीक है जी और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर बेल आइकॉन बटन नहीं दबाया दबा दुआ देना सो so, डैट आपको ये वीडियोस मिलती जाए आगे है ये कुछ अपॉइंटमेंट बताई हुई अगर दो तीन महीने चार तीन महीने से कुछ नई नए अपॉइंटमेंट हुई है जैसे कि दानी विक्रम सिंह आप सभी जानते हैं श्रीलंका में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था उनकी इकॉनमी में काफ़ी बुरा हाल है तो वहाँ की कुछ न्यू अपॉइंटमेंट हुई है तो दानी विक्रम सिंह पी एम बने तो ये आप रखना यून सुख यूल ये बता दिए साउथ कोरिया के न्यू पेजिडेंट है ओके okay, शहबाज शरीफ ये आप जानते हैं वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया पाकिस्तान के जो हमारे सीएम एम थे तरीके इंसाफ के क्या नाम था उनका इमरान खान उनको हटाया नई पार्टी शहबाज शरीफ एलिजाबेथ बोन न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और पेजिडेंट कौन है इमानुअल मैक्रोन आगे है कटेलियन कैटेलियन कैटेलियन क्या है ही इज़ अ फर्स्ट फीमेल पेडेंट ऑफ हंगर देखो याद रखना हंगरी हंगर इज हंग हंगरी की पहली फीमेल पेडेंट बनी कैटलियन नोवाग अगर पीएम की बात करें तो पीएम एम यहाँ पर आपके सामने आएगा डीसी विक्टर विक्टर इज अ प्राइम मिनिस्टर डन आगे है तो फर्स्ट वुमेन काफ़ी टाइम से बना हुआ बट फिर भी, भी देख लेना फर्स्ट वुमेन पेडेंट ऑफ हॉन्द्रूस एग्जोमरा कास्त्रो आगे है जॉन लिंग हॉन्ग न्यू ले, नेक्स्ट लेडर तो सम दीज आर सम सम्द इंपॉर्टेंट नेम्स इसको देख लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आते तो टिक तो कर दीजिएगा अब आगे आते हैं कुछ इंडेक्स रिपोर्ट्स अब यहाँ पे एक तो इंडेक्स हमने की है अब यहाँ पे इंडेक्स देख लेते हैं जैसे कि आपके सामने है ये कौन सा है इंडेक्स है हंगर इंडेक्स हंगर इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पे 101 पे दिस इज इंपॉर्टेंट इसको क्या इंडिया क्या है 101 पे ओके okay, और बेस्ट क्या है तो बेस्ट में ये कुछ कंट्री है चाइना कोवेत ब्राजील शेयर मतलब अच्छे हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर भुखमरी इतनी कम है हमारे मुकाबले आगे है फॉर्चून फॉर्चून फाइव हंड्रेड एक, एक मैगजीन है जो क्या करती है दुनिया के जाने माने चेहरे हैं उनकी लिस्ट निकालती है तो यहाँ पे निकाली है हाइस्ट पेड सी ई ओ सी ई स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो यहाँ पे क्या है एलॉन मस्क नो डाउट टॉप पर रहेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है एलॉन मस्क जी तो टॉप पर है उसका टीम कुक क्या जो एप्पल के हैं तो इनका नाम भी रखना जो सीई है हमारे एग्जाम में इनका क्वेश्चन बन जाता है जैसे हाँ नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स अरिड हैस्टिंग निविडिया निविडिया हमारा ग्राफिक कार्ड आता है तो उसके कौन है जेंसेन हुआ सो दीज नेम आर सम इम्पॉर्टेंट नेम्स तो इनके सीई का नाम आप याद रखिएगा चलिए अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे है टाइम मैगजीन जो हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल इन्होंने दुनिया भर के काफ़ी सारे ना, नाम नाम दिए टाइम मैगजीन ने इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिसमें इन्होंने अवार्ड दिया आईकॉन होता है पाइनियर्स होते हैं टाइटन होता है आर्टिस्ट होता है लीडर होता है और आपका इनोवेटर होता है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे तीन भारतीय व्यक्ति वो भी इस पर्टिकुलर मैगजीन में उन्होंने अपना नाम हासिल किया जगह हासिल किए कौन कौन है एक तो करुण नी जी ये क्या है ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है जाना मेरा चेहरा इनका और बिजनेस टाइकॉन गौतम अडानी जी इनको कौन नहीं जानता आगे है प्रोमिनंट कश्मीरी एक ह्यूमन राइट है ह्यूमन एक्टिविस्ट मिस्टर के हुरन परवेज के हुरन परवेज इनको भी ये अवार्ड दिया गया टाइम हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंस लिस्ट में आने के बाद तो ये ध्यान रखना आगे है फॉर्स ग्लोबल टू थाउजेंड लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनी देखो टॉप कंपनी तो कौन कौन सी है नंबर वन स्पोर्ट किसका है बर्क शाइन हाथ पे तो दिस इज फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड अगर बात करें इंडिया में कौन सी कंपनी इंडिया टॉप कर रही है इंडिया में टॉप कर रही है हमारे जाने माना चेहरा मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ओके वर्ल्ड वर्ल्ड कौन से नंबर पे 53 पे इसके अलावा कुछ हमारी सरकारी संस्था भी है ओ ठीक है टू और आपका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन टू सिक्सटी एट सो दीज आर साम टॉप कंपनी जिनको आपने ध्यान रखना अकाउंट टू फॉर्ब्स ग्लोबल टू थाउजेंड लिस्ट आगे आते हैं फॉर्ब्स हाईस्ट पेड एथलीट सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट तो उसमें क्या है वर्ल्ड ओवरवाल कौन से दुनिया के लॉन मैसेज सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं फुटबॉलर है अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं तो ये आपने याद रखना आगे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखो पहले के मुकाबले हम थोड़ा सा बुरा परफॉर्म करें लास्ट हमारी रैंक थी वन थर्टी नाइन अब थोड़ा से कम हो चुकी है अभी हमारी रैंक एक सौ पचास आ चुकी है तो इसमें हम थोड़ा सा पीछे आए लास्ट से सॉरी लास्ट से इट वॉज वन फो टू नोट वन थर्टी नाइन वन थर्टी नाइन हमारे यहाँ पर नहीं थी ओके तो फ्रॉम तो यहाँ पर हमारा ये हिसाब किताब है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ठीक है जी तो ये बाकी आसपास कंट्री और टॉप कंट्रीज ने किया नॉर्वे ने तो ये बात आपने याद रखनी है आगे है होरेन गुलेवल हेल्थ केयर लिस्ट तो हेल्थ केयर मतलब बात करते हैं हेल्थ के मामले में कुछ जाने माने बिजनेसमैन हैं जिनका इन्होंने हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा नाम कमाया है उनमें से एक नाम आता है हमारा डॉक्टर साइरस एस पुनेवरा <laughs> अब एक मिनट बच्चों पानी पी लेते थोड़ा सा देखो तो आपने नाम सुना होगा आपने नाम सुनूंगा किसका हमारा एक इंडिया का जो हमने खुद बनाया था कोविड नाइन्टीन के लिए जो हमारा वैक्सीन था उसका नाम था कोविशील्ड किसने बनाया सीरम कंपनी है जिसका हेडकोर्टर कहाँ है, कहा है पुणे में तो उस संस्था का संबंध इन्हीं से ही है साइरस एस वाला और उनके बेटा का नाम किया अडर वाला जिनको हमने टाइम के लिए इसमें लास्ट में अवार्ड भी दिया था अब चलिए यहाँ पे तो साइरस एस पुणे वाला इसको ध्यान रखना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेड क्वार्टर पुणे में तो इसको होरेन ग्लोबल हेल्थ केयर लिस्ट इसमें इंडिया में टॉप पे कहा गया तो ये बात ध्यान रखना ओके अब आगे आते हैं आगे है हमारा फोर्स प्लिन दुनिया की जो फॉर्थ मैगजीन है अरबपतियों की बात करें तो टॉप पर कौन से एलॉन मस्क और सेकेंड पे जैबे सॉफ़ बोलना नहीं है मुकेश अंबानी और अडानी जी इनमें थोड़ा सा चल रहा है विवाद कौन टॉप पर जाएगा

वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट तो ये आपको याद रखना है तो यहाँ पे बेसिकली क्या है अब इसने क्या निकाल एक रिपोर्ट निकाल लिया रिपोर्ट क्या बोलती है रिपोर्ट बोलती है अगर बात करें नॉइज़ पोल्यूशन आवाज से होने वाला प्रदूषण तो इस मामले में सबसे नॉइज पोल्यूटेड सिटी जो है पूरे वर्ल्ड में वो है ढाका ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ओके ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इट इज़ द मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी नंबर वन नंबर टू इंडिया में कौन सी है इंडिया में है हमारी मुरादाबाद ये पढ़ती यूपी में देखो यूपी में हमारा मुरादाबाद टॉप कर रहा है याद रखना यूपी में पहले ही पढ़ लिया ठीक है जी हमारा वेस्ट टेबलो दिया गया और बेस्ट नेशनल वाटर वर्ड उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आ गया कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर इसको देख लेते हैं यहाँ पर हमारे काम की न्यूज़ क्या क्या है यहाँ पे पेजिडेंट ऑफ कोलंबिया देखो कोलंबिया का पेडेंट है यहाँ पे देखिए इनका जो चैन हुआ है नाम क्या है मिस्टर पेत्रो गोस्ताव पेत्रो कोलंबिया के पेजिडेंट अब वो अपने अपॉइंट हुए हैं इसको आपने ध्यान रखना है आगे है फुजैन ये बेसिकली क्या है इट इज़ अ चाइना थर्ड मोस्ट एडवांस डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट दिस इज द नेम ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट मतलब बेसिकली यहाँ पे जो अपने एयरोप्लेन होते हैं यहाँ पे लॉन्च होते हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे आगे बना हुआ है ठीक है जी पानी में तो नाम मत बोलना फुजैन देखो तो समटाइम क्या होता है आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए ये फुजैन है तो क्या है तो बता दीजिएगा ये क्या है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च अब एक बात बता दो अभी क्वेश्चन आया था किसी पर्टिकुलर पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया बोला गया कि बताइए क्यूबिट जो क्यूबिट है इसका संबंध कहाँ से क्यूबिट जो चीज़ है इसका संबंध किस चीज़ से है तो क्वांटम जो हमारी कंप्यूटर की दुनिया की बात करें तो वहाँ पे इसका संबंध होता है तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ बन सकता है जो आपने बोलना नहीं है तो ऐसे कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना आगे है पी एम ओ सोमालिया सुमालिया के पी बने तो ये कौन है हसन शेख मोहम्मद हसन शेख महमूद सॉरी हसन शेख महमूद क्या बने पीएम एम शुमालिया इसको आपने ध्यान रखना अब अच्छा बोले क्वेश्चन पे आओ आगे है ग्रीन ट्राइंगल देखो ये भी न्यूज़ में था ग्रीन ट्राइंगल यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली है क्या ये आफ्टर महात्मा जी जगह है बेसिकली ग्रीन ट्राइंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी महात्मा गांधी के नाम पर इसको चेंज किया आपने याद रखना और ये हुआ का ये हमारा मेडागास्कर है मेडागास्कर क्या अपनी उसकी कैपिटल है वहाँ पे इसको ये आपका ग्रीन ट्रायंगल जो महात्मा गांधी के नाम पे इसका नाम रखा गया है ये आपने ध्यान रखना है तो बच्चे इसको आपने याद रखना चलिए अब यहां पे देखते हैं स्टूडेंट हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाता है तो ध्यान रखना है इसका ठीक है जी तो ये हमारा हो चुका है ना ओके चलिए स्टूडेंट थोड़ा पानी पी लेते हैं तब तक देखिए इसको आप चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा आगे देखते हैं अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए हमने ये कवर कर लिया था ना पीएम सोमालिया सोमालिया बच्चों यहाँ पे करेक्ट करो इसको पीएम सोमालिया एक्चुअली सोमालिया के पेरेंट है इन्होंने अपॉइंट किया है किसको ये हमारे नए ने पीएम बने नेम लिखना पीएम क्या का इनका? इनका नाम है इलेक्शन कमीशन फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इज नेम ऑफ पर्सन बच्चे नोट कर लेना नेम ऑफ डिसम एंड नेम ऑफ इनका ये पेजेंट है इसको करेक्ट कर लेना यहां मैं जल्दी जल्दी मैं इसको मैंने पी एम बोल दिया था हसन शेख क्या है पेजिडेंट है और पीएम कौन है हमजा अब्दी ओके तो ये ध्यान रखना चलिए बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ओके अब यहाँ पे हमने ग्रीन टैगल ये क्लियर कर लिया अब आगे जी ट्वेंटी देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ जी ट्वेंटी ये हमने कर ही लिया इंडोनेशिया में सेवनटीन अठारवां हमारा दो तेईस वाला इंडिया में होना है ट्वेंटी टन है ना ब्राज़ील में ट्वेंटी फोर साउथ अफ्रीका ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में ओके टाइका ओके मैं बता चुका हूँ जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी क्या है इट ए ग्रुप ऑफ नाइनटीन कंट्री प्लस वन यूरोपियन यूनियन ये बता चुके हैं तो ये मैंबर कौन कौन से ये आपके सामने इनको नाम देख लीजिएगा कौन कौन से जी ट्वेंटी के मेबर है चलिए बच्चों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन डिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी जानते हैं रशिया रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है चल रहा है फाइट रशिया यूक्रेन में क्या चल रही है फाइट चल रही है तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है हमेशा जो वॉर होती है ना ये नुकसान नहीं करती है तो हुआ क्या रशिया का सबसे जो लार्जेस्ट प्लेन है इसका देखिए हिसाब ने कितना खूबसूरत प्लेन है इतना बड़ा प्लेन है लेकिन देखिए वॉर के बाद क्या हालात हो चुके हैं इसके कितना बुरा हुआ टूट क्या है इसका नाम इम्पोर्टेंट है हमारा नाम है ए एन टू टू फाइव ओके एंटनॉप जाफ इसको मरिया भी बोलते हैं तो मरिया रखना मरिया गया मर गई है कहाँ पर यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन था आपका रशिया और यूक्रेन डिस्प्यूट में ओके अब बच्चे आते हैं कुछ मिस्ट टॉपिक्स हैं जो हमारे करंट अफेयर के हैं इसको देख लेते हैं अब बच्चे बताना चाहेंगे जिन बच्चों द्वारा इन्फॉर्म कर देता हूँ जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है कृपया टेलीग्राम चैनल स्टडीज को ज्वाइन कर लो ओके

तो ये बात याद रखनी है सेवेंटी फाइव बिलियन सेवेंटी फाइव बिलियन डॉलर स्वैप किया जाएगा क्वेश्चन आएगा एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है जापान के साथ कितने का हुआ है सेवनटी फाइव बिलियन डॉलर आगे है फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड टू यूज सन टू लिक्विड फ्यूल सिंपल सी बात है याद रखना कौन सी है स्विस के इंटरनेशनल एयरलाइन है यहाँ पे इतनी काम की बात है और ज्यादा नहीं है आगे है साइंटिस्ट डिस्कवर किया a new, a new, अजिन कियापीसीज एक नई प्रजाति है ये आपके सामने पौधा देख सकते हैं तो डिस्कवर किया बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने प्रजाति को डिस्कवर किया न्यू गिन वैली अगर बोले कहाँ मिला है ये मिला है कन्याकुमारी तमिलनाडु जहां पड़ता है तो वहां पे किया है कन्याकुमारी हमारा इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड का आगे है कवच ये कवच क्या है बेसिकली आए के दिन क्या होता था ट्रेन जहाँ से आ रही है ट्रेन जहाँ से आ रही है कभी कभी क्या होता है इनको एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें हैं नहीं लगता पता तो इसको क्या हुआ इसीलिए कि ताकि ट्रेन आपस में टकराने से बच पाए तो इंडिया वाले एक सिस्टम डेवलप किया उसका नाम है कवच तो कवच क्या है हमारे इंडियंस एंटी कुलज टेक्नोलॉजी है जो ट्रेनों को बचाएगी एक्सीडेंट के होने से तो नाम क्या है कवच तो ये बोलना नहीं हमारा अगला है एफ ए लिस्ट देखो ये बता चुका हूँ ग्रे लिस्ट क्या होता है तो डिफरेंट कंट्रीज को एफ ए टी एफ वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और साथ में जो यू कैन से टेरिस्ट ग्रुप है उसको फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए एफेक्टिव कुछ स्टेप उठाती है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट इसी का एक रूप है और मैं बता चुका हूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अब यहाँ बताया हुआ है तो थर्टी नाइन मेंबर्स इंक्लूडिंग टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर हैं यूरोपियन कमीशन भी है और गल्फ कोऑपरेशन भी है ओके और यहाँ बताया नॉर्थ कोरिया ईरान आर द कंट्री ऑन द एफिव ब्लैक लिस्ट देखो ब्लैक लिस्ट में कौन है ये दो कंट्री है हाँ यू ए इसमें वो है ग्रे लिस्ट में चलिए अब बच्चे आगे बढ़ते हैं आगे है हंसा एन ये हंसा एन क्या है सिंपल सी बात है हंसा एन क्या है ये क्या है हमारे इंडिया का पहला इंडिजिनस इंडिजिनस मतलब हमने खुद तैयार किया है ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एन इंडिया का पहला इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है चलिए अब आगे आते हैं आगे है परम गंगा बेसिकली क्या है दीज आर सुपर कंप्यूटर बताना चाहूँगा अभी किसी स्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था बोला गया था कि बताइए परम गंगा क्या है तो परम गंगा इस नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर इसके अलावा और भी क्या नेम है इसको देखना एक बात समझना हमारे इंडिया में सुपर कंप्यूटर बनाने का काम है वो कौन करता है सी सी सीडेक इज एन एवं ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश में सुपर कंप्यूटर बनाता है अगर बात करें इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था उसका नाम था परम परम था आई थिंक नाम उसका परम एट थाउजेंड था 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 था। पहला अगर बात करें आज इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो वो है परम सिद्धि क्या नाम है परम सिद्धि वर्ल्ड वाइड सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो कौन सा है सुपर कंप्यूटर उसका आंसर आप मुझे कृपया कमेंट सेक्शन में बताइएगा इतना हिंट दे देता हूँ जो पावरफुल कंप्यूटर है मुझे पान से बिलोंग करता है चलिए अब यहाँ पे आते हैं परम गंगा हो गया अब इसके अलावा परम परवेगा ये सुपर कंप्यूटर ये हमारा कहाँ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है परम गंगा आई आई टी लड़की में नॉट सुपर कंप्यूटर बट एक टेक्नोलॉजी है जो नहीं आई है ये आई आई मद्रास लेके आया ओशन दो है बाईस आई आई टी लेके आया परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है आई आई खड़गपुर में है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आई दिल्ली का जो कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट गवर्नर आई एम अहमदाबाद कैसे संबंध है इसका किसान मोबाइल ऐप कौन लेके आया आई रुकी तो ये कुछ जाने माने इंस्टीट्यूट है जो किसी कारण से न्यूज में है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है तो कृपया से देख लीजिएगा आ गया बिटकॉइन बिटकॉइन के बारे में खास बात समझिएगा पहली कंट्री जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना वो कौन है एल सेल्वाडोर क्या है एल सेल्वाडोर वो पहली कंट्री जिससे बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना अब दूसरी कंट्री कौन बन गई है वो बनी है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ओके ये बोलना नहीं है अब बात बताना चाहूंगा एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताइए बिटकॉइन का को फाउंडर कौन है हुई द तो फाउंडर वैसे कन्फर्म नहीं है लेकिन माना जाता है उसका नाम है सतोशी नोकमातो सतोशी नोकमातो कहते हैं जापान का बंदा है अब इसका कह रहे हैं स्टैचू बनाया जा रहा, कहां बना रहा है कहाँ बना रहे हैं हंगरी कहाँ बना रहे हैं हंगरी तो ये आपने ध्यान रखना है इसके अलावा एल सलवेडोर के बारे में बता चुका हूँ इसने फर्स्ट बिटकॉइन को पहला लीग टेंडर बनाया था और साथ में एल सलवेडोर के बारे में वर्ल्ड फर्स्ट बिटकॉन सिटी तो बिटकॉन सिटी जिसका नाम बनाने जा रहे हैं तो ये बात बोलना नहीं है ओके दिस इज ऑल अबाउट बिटकॉन तो इसको देख लेना ओके okay. चलिए बच्चों अब यहाँ पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं जिन बच्चों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मैं फिर बता रहा हूँ स्टडीज कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा सो डैट आपको स्टडी मटेरियल है वहाँ मिल जाए और साथ में हमारा फेसबुक और साथ में इंस्टाग्राम आप सभी माध्यम के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं जुड़ने का बेनिफिट क्या होगा हम रेगुलर बेस पे जो मटेरियल है करंट का और साथ में लॉ का वो अपडेट करते रहते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा ओके okay, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है अब देते हैं इन्हीं बातों पर अपनी बानिंग को विश्राम तो आज के लिए काफ़ी स्टूडेंट धन्यवाद नमस्कार